नमस्कार, जय जैनन। मैं ललित सरावगी जैन रथ में आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं बहुत खुश हूं। मैं अहमदाबाद में हूं और मेरी खुशी का कारण यह है कि आज जैन रथ में एक ऐसे व्यक्ति शामिल हुए हैं जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त किया। कहते हैं कि CM का मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होता है, पर साथ ही साथ CM का मतलब कॉमन मैन भी होता है। और आज मेरे साथ मौजूद है गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व CM, कॉमन मैन श्री विजय रूपानी। रूपानी साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए। रूपानी साहब, आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? मेरे पिताजी व्यापार के लिए बर्मा रंगून गए थे। 2 अगस्त 1956 रंगून बर्मा में मेरा जन्म हुआ और 3 साल में ही हम लोग वहाँ से सभी भारतीय को निकाला गया और फिर वापस हम लोग गुजरात आ गए और फिर राजकोट में ही पूरा मेरा पढ़ाई और मेरा राजकीय कारकीर्द, मैंने जो मेरी पॉलिटिकल कैरियर से लेकर और पूरा बिजनेस भी मैंने राजकोट में किया और राजकोट में मैंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। आपकी शिक्षा दीक्षा क्या हुई? मैं MA मैंने किया है पॉलिटिकल साइंस के साथ और LLB भी किया है। तो रूपानी साहब, आपने एक राज्य के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया, आप यहाँ तक जो पहुँचे, तो आपका राजनीतिक करियर क्या रहा? नवनिर्माण आंदोलन से मेरी शुरुआत हुई 1971-72। इसका मतलब ये हुआ कि आज 50 साल हो गया पूरी राज्य सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में। उस वक्त जनसंघ में भी हम लोग एक्टिव थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी और उस वक्त तो सपना में भी नहीं था कि हम सत्ता में आएंगे, हम कोई मंत्री मंत्री बनेंगे। उस वक्त तो सिर्फ लड़ना ही था और कांग्रेस भी काफ़ी मजबूत थी, इंदिरा गांधी का भी नेतृत्व बहुत बड़ा मजबूत नेतृत्व था और उसके सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ आंदोलन करते गए, लड़ते गए और गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी और बाकी लोगों ने जो परिश्रम किया तो सत्ता में आ गए। 95 से हम सत्ता में है। आप आज गुजरात के CM के पद तक पहुँचे। शुरुआत आपने जो की वो बहुत संघर्ष का दिन था, आपने कहा कि आप जेल भी गए, तो आज जो आप गुजरात के CM के पद तक पहुँचे, तो आपने अपने किस राजनीतिक करियर को टच किया, किस किस पदों पर? वैसे तो मैंने कि ग्राउंड फील्ड से लेकर काम शुरू किया था, एक छोटा कार्यकर्ता के नाते काम शुरू किया था। मैं पार्षद बना, मैं महापौर बना, बाद में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की अलग अलग कमेटी का चेयरमैन भी रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी ऑर्गेनाइजेशन में 4 टर्म में जनरल सेक्रेटरी भी रहा स्टेट का। मैं राज्यसभा में 2006 से 2012 सांसद भी रहा, दिल्ली रहा, और फिर मैं 2015 से MLA बना, मैं मिनिस्टर बना, गुजरात प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी बना और बाद में मैं मुख्यमंत्री बना। रूपानी साहब, आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आप कॉमन मैन हैं, CM चीफ मिनिस्टर बाद में हैं। आपके बारे में मुझे जानकारी मिली कि अनेक सामाजिक काम भी आपके द्वारा किए गए, क्या है वो सामाजिक काम? बहुत सारे प्रोजेक्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ग्रामोत्थान से लेकर, बच्चों के लिए बुक बैंक से लेकर बहुत काम किया। मोरबी का जब फ्लड आया तभी पूरी एजुकेशनली मोरबी की जिम्मेवारी भी मैंने ली थी और सभी स्कूल कॉलेज बच्चों को पढ़ाई, पुस्तकें, पूरी व्यवस्था उस वक्त भी हम लोगों ने की थी। एक मेरे जीवन में मेरा एक बेटा पूजित छोटा था, ऊपर से गिर गया था और वो देवलोक हो गया।
उसके स्मृति में हमने 1994-95 से 1994 से लेकर आज तक हम एक उनकी स्मृति में बच्चों के लिए काम करते हैं, जिसमें राजकोट के जितने रेक पिकर्स बच्चे हैं उनको उठाकर उनको पढ़ाई कराना, स्कूल में भर्ती करना, ये स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए हम अभी तक काम कर रहे हैं, यानी कि पिछले 25 साल हो गया। तेजस्वी मेघावी छात्र लेकिन बहुत गरीब है, और हमारे यहाँ सिस्टम तो बन गई है कि पूरे देश में कि 12वीं कक्षा में जो अच्छा परिणाम लेकर आता है बाद में मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। तो गरीब बच्चे, हम ज्ञान प्रबोधिनी एक प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसमें राजकोट के म्युनिसिपालिटी के स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों, हर वर्ष हम 500 से ज़्यादा बच्चों की एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें से टॉप 20 ऐसे बच्चों को उठाते हैं, हाई स्कूल में अच्छी स्कूल में उनको डालते हैं, हमारे यहाँ ट्रस्ट पर ही उनको स्पेशल केयर, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश ये सब्जेक्ट पर ट्यूटर रखते हैं, उनकी पूरी एजुकेशनली मेडिकली हमारा ही बच्चा है ऐसी जिम्मेवारी लेकर उन बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे कॉलेजों में भर्ती करवा कर वो वापस डॉक्टर इंजीनियर बनकर आते हैं, और वो भी हमारे साथ समाज सेवा में जुटते हैं। ऐसे आज तक करीब, अब तो ऐसा हो गया है कि नई बेच आती है ऊपर से ग्रेजुएट होकर एक बेच वापस आती है, तो करीब 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए हैं, और समाज में अलग अलग जिम्मेवारी से काम करता भी है। ये जो काम हुए, ये जो ट्रस्ट आप चलाते हैं उसके द्वारा हम कर रहे हैं। रूपानी साहब, आप जब मुख्यमंत्री बने, भारत की किसी भी राज्य में कोई जैन मुख्यमंत्री नहीं था, और आज भी कोई जैन मुख्यमंत्री नहीं है। आप भारत के शायद दूसरे या तीसरे जैन व्यक्तित्व हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में आपने अपनी सेवा दी, कैसा लगता है? जैन मुख्यमंत्री कोई नहीं है, और मैं आज स्पष्ट कहता हूं कि मोदी जी के कारण ही मैं जैन मुख्यमंत्री बना, क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री बना तब गुजरात में जो स्थिति थी, समाज के नाम पर बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, बड़े बड़े समाज का काफी प्रेशर भी था, फिर भी मोदी जी ने, हम तो माइनॉरिटी में है, हमारी जैनों की संख्या भी कम है, फिर भी मोदी जी ने एक कार्यकर्ता के नाते मुझे ये जिम्मेवारी दी, और मोदी जी, ये ओनली मोदी जी हिम्मत कर सकते हैं, बाकी तो प्रेशर में आ जाते हैं बड़े समाज, क्योंकि वोटों की लालच में, लेकिन एक अच्छे कार्यकर्ता काम करे उस दृष्टि से उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी। मेरे पर भी ये प्रेशर था कि आफ्टर मोदी जी गुजरात को संभालना है, यानी कि काफी बड़ी जिम्मेदारी, एक सूर्य के सामने हम तो मुंडती है, और फिर भी हमें रहना है और प्रकाश देना है, तो उस स्थिति में काफी मानसिक भी प्रेशर रहता था कि भाई मोदी जी ने जो विकास की पटरियां डाली है तो वहीं थम ना जाए कोई, और विकास का काम गुजरात में चलता रहे। आप जैन हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? मैं अवश्य जैन हूं, उसका मुझे गौरव है। भगवान महावीर ने जिस तरीके से अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, तीन जीव बात पर जोर दिया, और हम महावीर के संतान के नाते ये सारा संस्कार स्वाभाविक तौर पर हम सब में आए, और हम अलग जैन के नाते प्रस्तुत हुए, लेकिन अंतिम गोल तो मोक्ष है। आत्मा से परमात्मा, जीव से शिव, व्यक्ति से समष्टि की बात हम करते हैं, और एक आध्यात्मिक चेतना दिव्य भारत बने, और उस दृष्टि से जैन संतान के नाते ये सारी बातें भी संस्कार में आई है।
शायद दूसरे या तीसरे जैन व्यक्तित्व हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में आपने अपनी सेवा दी। तो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, अनेकत्ववाद या अहिंसा, इसके लिए आपने क्या कुछ काम किया मुख्यमंत्री रहते हुए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि जैन कुल में मैंने जन्म लिया है, तो स्वाभाविक ये संस्कार मुझे प्राप्त हुआ है और अपने आचार्य भगवंतों, साधु संतों का भी आशीर्वाद काफी मुझे मिला है। तो नेचुरल कोर्स में ये सारी बातें मेरे जीवन का एक भाग भी बना है। अहिंसा की बात करें तो गुजरात में काफी काम हुआ है, अभी भी चालू है, पहले भी करते थे हम लोग, लेकिन मैं मुख्यमंत्री था तो नेचुरल कोर्स में ये सारी बातें मेरे पास इजीली आती थी। तो जैसे हमारे यहाँ गाय माता और गाय की रक्षा, तो गुजरात जो पहला स्टेट है, नरेंद्र भाई के वक्त गुजरात में गौ वंश की कत्ल पर पूरा प्रतिबंध हुआ और मैंने गौ हत्या करने वालों पर कड़े से कड़े कानून किए कि गाय की हत्या आप करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, और गौवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए गुजरात में। तो इसकी काफी असर हुआ। फिर जैसे ये पशु काम के नहीं होते तब कत्ल खाने जाते हैं, तो उसको रोकना है। तो सभी हमारे यहाँ गौशाला, उनको बढ़ावा देना, उनको मदद करना, और गाय हो या बाकी कोई पशु हो वो कत्ल खाना में नहीं जाना चाहिए, हम उसको संभालेंगे, ये भी जीव है, ये भी आत्मा है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, और उसके लिए भी काफ़ी प्रोग्राम्स हमने किए। वैसे आपको बताऊं मैं कि पूरे भारत में से लाइव एनिमल एक्सपोर्ट होते हैं, और गुजरात के हमारे कच्छ के पास एक पोर्ट से लाइव एनिमल एक्सपोर्ट होते थे, मैंने वो बंद करवाया और गुजरात में ऐसा कानून बनाया कि गुजरात में से एक भी लाइव एनिमल एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। वैसे मानवी के लिए बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल तुरंत दाखिल करना है, भर्ती करना है उनको, तो 108 एम्बुलेंस, हम 108 एम्बुलेंस बुलाते हैं। तो पशुओं के लिए, पंखियों के लिए भी हमने सभी तहसील में करुणा एम्बुलेंस रखी कि उनको भी बुलाइए, आ जाएगी और उनको तुरंत पशुओं के हॉस्पिटल में उनको दाखिल भर्ती करवा दी जाए, इमीडिएट उसको सारवार मिले और उनका जान बचे, वो भी हमने व्यवस्था बनाई। तो इसका मूल कारण ये संस्कार और प्रत्येक जीव की रक्षा करना अभिदान, वो राजा की जिम्मेवारी रहती है कि प्रत्येक जीव का अभय, उनको रखना, उनकी रक्षा करना, तो ये किया है हमने। और उसके साथ सभी, सिर्फ जैन नहीं, पालीताना सिर्फ नहीं, पालीताना हो, अंबाजी हो, चोटीला हो, माताजी का जहाँ मंदिर है, और वहाँ जो चलकर, पैदल चलकर जो श्रद्धालु यात्रालु जाते हैं तो उनको एक अकस्मात होता है, तो उनके लिए भी अलग चलने की व्यवस्था, अकस्मात ना हो। जैन साधु संतों भी विहार करते हैं तो उनको भी अकस्मात का निशाना बन जाना पड़ता है, तो उनके लिए पगडंडी अलग बनाना, ये सारी बातें की है हमने। रूपानी साहब, आप जैन रत्न कार्यक्रम में हिस्सा बने, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, लाखों लोग को भी ये पता चला है कि गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो जैन हैं, विजय रूपानी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, आपका भी बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि वह जिंदगी, ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने बनाया है और लाखों लोगों के सामने ये बात आप रख रहे हैं, तो इसमें से काफ़ी लोगों को नई प्रेरणा मिलेगी और इससे जैन समाज को भी लाभ होगा और राष्ट्र को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा, और
अच्छी अच्छी बातें आज के युग में सबके सामने रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें से नई पीढ़ी प्रेरणा ले। तो फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हमारी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र।